आज हमें जाना है बच्चों को लेके हॉस्पिटल उनका रूटीन चेकअप के लिए। उनको अभी 12th को 3 months कंप्लीट हो जाएंगे, तो डॉक्टर ने बोला था 3 months कंप्लीट, जब कंप्लीट होंगे तब ले आना, पर 12th को अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मतलब पहले मिल गया था अपॉइंटमेंट, फिर कॉल आया कि दोबारा चेंज करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट डेट, तो उन्होंने 10th की डेट दी थी। तो आज हम जाएंगे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल, वो चेक करेंगे इनका ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ कैसा है करके। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1 और हमने लंच बना लिया, मम्मी ने बनाया, पापा के लिए लगा दिया है, पंकज रोटी खाएंगे उनके लिए, उसमें रोटी है और दाल है, और बच्चों को भी नहला दिया मम्मी ने। राघव देखो सोने की कोशिश कर रहा है, उधर जिया पी रही है दूध। उसके बाद हम भी फटाफट खा के इनको हॉस्पिटल लेके चलेंगे, पंकज हमें ड्रॉप करेंगे, फिर हम बाद में टैक्सी से घर आ जाएंगे। फटाफट से खाना खाया हमने, बर्तन धोए और रेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि पंकज को डालता ड्यूटी। वो तो फटाफट कर फटाफट कर, ये राघव हो जी दोनों, हाँ वो मैंने बताया दोनों उठे हुए हैं, इनका जस्ट फॉलो अप चेकअप है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करेंगे आज डॉक्टर। ये है हमारी गाड़ी, पंकज लेके आ गए थे, पार्किंग थोड़ा दूर थी तो पहले आ गए थे, हम पीछे बैठेंगे, पापा आगे बैठेंगे। हो गया सेट, क्योंकि ना इतनी गर्मी हो गई है, गाड़ी को थोड़ा पहले कूलिंग की ज़रूरत है, तब हम अंदर बैठ सकते हैं, वरना तो ऐसा होता है ना, क्या बताऊँ, फिर बच्चों को तो ज़्यादा ही होगा। तब पंकज सब चेक कर रहे हैं, क्या हुआ राघव को ना बिल्कुल पसंद नहीं है गाड़ी में जाना, पर क्या करेंगे, आदत तो डालनी पड़ेगी, वरना फिर बाद में इनको भी प्रॉब्लम होगी और हमको भी प्रॉब्लम होगी। ना राघव जाना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। क्या देख रहे हैं ना, अजीब सा गुस्सा दिखाता है। तो हम पहुंच चुके हैं, पंकज ने हमें ड्रॉप कर दिया था, देखो यहाँ आज ईद है ना, तो ईद की उससे बनाया फोटो खींचने के लिए, ईद मुबारक सबको, यूएई में आज ईद है, इंडिया में कल ईद है। चलो चलो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है बच्चों का, उसके बाद फिर इनका वाइटल्स चेक होगा, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी तो कोई भी नहीं, बस हम ही है, एक और अभी रिसेंटली जस्ट आए हैं। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड जैसे भी बनाया, इसके अंदर बच्चे खेल सकते हैं। अभी इसका हाइट वेट चेक किया जा रहा है राघव का, अभी वहाँ से उसका सैचुरेशन पल्स चेक किया था। फॉर्मूला मिल्क जैसा मीन है, डॉग भी नोटी, नो 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 एटीट्यूड, नो एटीट्यूड। अब इसका हो रहा हाइट वेट चेक, चुट 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 चुट, जैसा मीन है। सो यूरिन का सैंपल तो हम नहीं दे पाए क्योंकि उसने स्टूल पास कर लिया था, तो हम मतलब कल भी दे सकते हैं, तो कल हम यूरिन का सैंपल दे देंगे। और अभी हम फार्मेसी में, क्योंकि उनकी विटामिन डी ख़त्म हो गई थी, डॉक्टर ने वो लिखा विटामिन डी, और वो मुझे लेना है, टोकन मिला है, जब मेरा नंबर आएगा तो भी मैं वो भी ले लूँगी। ये है यहाँ की फार्मेसी, अब कहाँ जा रहे हैं हम, अब घर जा रहे हैं ना, हो गया इनका सब कुछ, अब हम जा रहे हैं घर को ना। जैसे उतर के पहुंच चुके हैं हम अपनी बिल्डिंग में, तो बाहर आज तो पैया जैसा मत कर देना, तो डायपर पहना है, नहीं करेगी वो। पापा बोल रहे हैं कि बानी तो मेरी लाज रख देना भैया जैसा, नहीं करना क्योंकि उसने पॉटी कर दी थी ना। दिखाओ मम्मी दिखाओ दिखाओ कोई बात नहीं, मेरी नाती ने पहले बार किया है 3 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है, तो शुभ शगुन है और आएंगे। ठीक है, तो हम उठ गए थे 6:30 में, बानी तो फिर भी नहीं उठी थी, वो सोई थी, फिर मैंने उसको हॉल पे लाके वहाँ और सुला दिया था, अभी थोड़ी देर पहले उठी है, अभी दूध पिलाया उसको, अब मेरी चल रही डिनर की तैयारी।
तैयारी और मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो दोस्तों बन गया है मेरा बैंगन का भरता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, होप सो कि टेस्ट भी अच्छा हो। इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी और हम पियेंगे छाछ। रेडी है, मैं खाऊं कढ़ाई में, ये है रोटियां, ये है पापा के लिए, मिर्च नहीं लाई मम्मी आप, और वहाँ खा रही मम्मी। मम्मी रिव्यू दो बैंगन के भरते का, आई वांट रिव्यू। ठीक है, अच्छा बन रहा है मतलब। ओके, अब जब पापा खाएंगे तो पापा से रिव्यू लेंगे, पापा भी उसको दूध पिला रहे हैं। पापा रिव्यू दो बैगन के भरते का। बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी। थैंक यू। फाइनली मेरा काम हो चुका है, गैस भी क्लीन कर दिया। आज मैंने गैस पूरे अच्छे से धोया, मतलब ये वाला लिक्विड डाल के जो बर्तन धोते हैं ना, इससे बिल्कुल अच्छे से धोया, ये भी पूरा क्लीन किया। ये है कपड़ा जिससे मैं गैस साफ करती हूँ, बर्तन यहाँ पर धो दिए हैं, और बच्चों का पानी है रेडी, क्योंकि जिया मेरे साथ सोती है तो ये बोतल मैं अपने पास रखती हूँ, ये बोतल मम्मी के पास रहे। दिन में बस हम इसी में भरते हैं, ये यूज़ करते हैं।